करेक्ट और नॉट? सो वाट एवर यू विल डू इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कॉस्टिंग में करने के बाद क्या होगा मालूम, तुम इतने थके हुए होंगे, बैग, पहली बात तो कुछ लोग ऐसे, उनका बैग ऐसा, दे विल बी लाइक ये बेचारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पता है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल है ये, इलीगल है ये, वाइड है बिनिश है, तुम चुपचाप चम्मच उठा के खा रहे होंगे। ईमानदारी से देखना ये होगा, क्योंकि तुमको अब सीरियसली किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तुम्हारा हालत पता है क्या होने वाला है, तुम बोलोगे पहली बात तो सुबेरे उठे, डर से उठना पड़ता, पहली बात तो शिट लेक्चर मिस, डर से उठना पड़ता, उठने के बाद जाओगे, जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा, डीटी, डीटी खत्म हुआ नहीं, सब कुछ इरेज लॉ खत्म हुआ नहीं, सब कुछ इरेज अकाउंट्स, वो हुआ नहीं, सब कुछ इरेज कॉस्टिंग, शाम तक की हालत ही खराब हो जाती है, आदमी हिम्मत में ही नहीं रहता कुछ बात करने के लिए। आपके दो दिन से तीन दिन से मम्मी का कॉल आ रहा होगा ना, देखना मैक्स 5 मिनट, हाँ मम्मी क्लास हो गई बेटा, वो अलग एनर्जी में चल रही है अपनी मम्मी, अपनी मम्मी अलग एनर्जी में चल रही, हाँ बेटा क्लास हो गई सर, सही ना, हाँ मम्मी खाना खाया अच्छे से, अब घर वालों को क्या बताए घर की अपनी सच्चाई क्या चल रही है, साला 5 मिनट मिल रहा है खाना खाने के लिए, 10 मिनट मिल रहा है खाना खाने, हाँ मम्मी क्या हुआ, अरे बहुत थक गया, नहीं बस कुछ नहीं ऐसे ही लेक्चर थे ना दिन भर के, हाँ 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 ठीक है बेटा तू आराम से कर, पप्पा का फोन, पहली बात तो लड़के तो उठाते ही नहीं यहाँ से पहले मम्मी को कॉल करना पड़ता, मम्मी पप्पा का फोन आया था, क्या विषय अरे पहले कौन सा कांड बाहर आया ये तो पता चले हाँ मम्मी, हाँ पप्पा, हाँ सब ठीक चल रहा है, हाँ सब ठीक, और बाकी कोई तकलीफ तो नहीं, नहीं सब ओके। यही फाइनल का बच्चा जो बैठा रहेगा ना, वो अपना शरीर लेके आया, आत्मा तो त्याग चुका है वो अपना शरीर लेके आया है सिर्फ खाने के लिए, मेस में देखना तुम्हारे ना ये माहौल चलता रहेगा फाउंडेशन वाला लोग जोश में चल रहा है, उसको बेचारे को जीवन की सच्चाई पता ही नहीं है जितने में उसके पीसीके के दो टॉपिक हो रहे हैं, यहाँ दो कंसेप्ट चल रहे हैं उतनी देर में, फाइनल के अंदर में और ही गेम उल्टा है, फाइनल के अंदर में तुम जितना एक टॉपिक पढ़ रहे हो उतना तो साला एक केस लॉ चल रहा है, अलग लेवल है भाई, अलग लेवल है राइट। वो बेचारा आत्मा लेके आया, आत्मा लेकर के बैठा रहेगा, ये खुश है, ये अपना अलग डिस्कशन कर रहा, फाइनल वाला मेरे को सोना है सोचो ना भाई उसकी हालत और खराब है। फाइनल वाले को कभी देखना तुमने, तुम्हारे रूम में एक आधी जन होगा, सुबह 5:30 बजे उठ रहा है, क्लास करेगा, 9 बजे उसको ऑफिस जाना है, ऑफिस में दिन भर ऐसी तैसी करवाएगा, शाम में फिर आएगा फिर क्लास करेगा, 10 बजे रात में खाना खाएगा, 11 बजे खाना खाएगा, क्योंकि ऑफिस से 7 बजे आता तो प्रेस्टीज पे फाइनल की क्लास रहती शाम में 7 से 10:30, फिर 10:30 बजे वो खाना खाएगा, 11 बजे अगर थोड़ा सा जिंदा रह गया तो इंटर में जो उसकी बाबू सोना जादू टोना बनाई होती है ना इंटर में ये थोड़ा आता है अंदर से, एक होना चाहिए भाई अब अपन भी करेंगे, फाइनल में इस पे पछतावा होता है तुम टाइम दे नहीं पाते, फिर मैसेज आता आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, और फिर देखो अपने कोर्स की रही समझ सकेगी, मेरा वैसे ही प्लान था, मैडम भी सी है, हाँ मैडम भी सी है, ओ कुछ नहीं दिमाग का काम था, मैं बोला साइंस वाली आएगी उसको समझेंगे नहीं हम कर क्या रहे, वो मेरे से पूछेगी कौन सा कॉलेज है दिन भर जाते हम क्या बताएंगे वो मुझे कौन सा कॉलेज क्या बताए कॉलेज छोड़ा है हम इसीलिए अपना दर्द समझ सकेगी वैसा वाला ढूंढना ठीक है। सो ये सब होगा बट बेटा टेंशन नहीं लेना राइट। ये सब ना देखो मैं तुम्हारे को गलत नहीं बोलना चाहता पर ये बहुत दर्द मेकिंग प्रोसेस है, पर प्रोसेस के बाद जब तुम बाहर निकलोगे ना, इस प्रोसेस से जब तुम बाहर निकलोगे ना, पता है तुम्हें रिलेटिव्स कैसे होते हैं, मैं तुम्हारे को समझाता हूँ, मेरे साथ का एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हारे को। जब तक मैं टेंथ के अंदर में यहाँ पे कितने लोग हैं 90+ वाले, 90% टेंथ में
90+ परसेंटेज थे, 95+ वाले। माँ कसम, क्या खाया अरे तुम लोगों ने? 80-90, 80-90 कैटेगरी, हाँ 70-80 कैटेगरी, हाँ 60-70 कैटेगरी, 60-70 कैटेगरी बराबर, 50-60 कैटेगरी, 40-50 कैटेगरी, फोर्टी एट परसेंट प्योर बैक बेंचर, प्योर। हम वो लोग थे जो स्कूल के पंखे टेढ़े करते थे। ऐसा कंपॉक्स रखते थे, पेन निकालते थे, टट 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 टट। ये काम हमारे काम थे, ये हमारे धंधे वाले काम थे, राइट? सो यू नो, पीछे लड़की के पीछे बैठ करके भाभी है तेरी। ये हमारे कैटेगरी था, समझ रहे हो? ये हमारे कैटेगरी था। तो मैंने जब 48% लाया, प्लस स्कूल के वो पीटीवीटी मिला करके 5-6%, टोटल बना 56, 48 वाज बोर्ड। सो मैंने जब आया, रिलेटिव वाज लाइक, तू सी ये करेगा? हमें स्कॉलर से ये करते हैं। डीमोटिवेट किया मैं यू नो, आईपीसीसी, हमारे टाइम आईपीसीसी होता था, आईपीसीसी में फाउंडेशन तो लग था, रिजल्ट अच्छा लगा ना, तुम्हें भी ये सुनने को मिला होगा इस बार, रिजल्ट बहुत अच्छा आया ना, तेरे बच्चे को भी करा दी थी उल्टा कमीनी। करवा के तो देख, पुश्तों में किसी ने किया है क्या, समझ आएगा? करवा के तो देख कितना लग काम करता है, इतना इजी लगता है यार लोगों को, दे सिंपली लग था ना, हो गया। इस बार तो पेपर भी इजी आए थे, हाँ तूने लिखे थे ना। जीवन है यार, नहीं नहीं गलत बात। तुम इंटर पास हो, मैं इंटर पास हो गया, इंटर पास होने के बाद फाइनल में गया, हाँ अच्छा है, मतलब अटेम्प्ट लगे ना, कोई बात नहीं, बट हो जाता है, मतलब यू नो बच्चा हो ही जाता है अल्टीमेटली, सी है, कॉलेज नहीं है, सेमेस्टर नहीं है। फाइनल पास हुआ, फाइनल पास होने के बाद दे वॉज लाइक, होशियार तो तू हमेशा से ही था। अब तो तू भी कहेगी ये होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। और साला इतना बैंग ऑन करना ना, एक बात मेरी याद रखो मेरा बच्चा, परसेंटेज तुम्हारा स्किल कभी डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है? और एक पेपर, दैट इज योर मार्कशीट, कैन नेवर डिसाइड वेयर यू कैन गो इन लाइफ। यस, वेयर यू कैन गो इन लाइफ। 48% पे अगर मैं ये उम्मीद छोड़ देता कि यार मैं कुछ बन सकता हूं, तो शायद मैं कभी यहां पर नहीं पहुंच पाता, मैं कभी यहां पर नहीं पहुंच पाता। एक चीज जो तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में लीड करने के लिए चाहिए ना, वो है खुद पे भरोसा। कि साला कोई और भरोसा करे ना करे, तुमने अपने ऊपर भरोसा करना और एक विजन लेकर के आगे बढ़ना कि साला मेरे को यहां तक तो पहुंचना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, पहुंचना ही है। उसके लिए पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ती है। गिवन अ चांस, किसी को मेहनत करने के लिए मजा नहीं आता, गिवन अ चांस किसी को मजा नहीं आता। अब तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो यू नो मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से देखा जाए साला सीए बनने के बाद भी पढ़ ही रहा हूं। तुम्हारे हिसाब से मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से साला सीए में बनने के बाद भी रोज सुबह उठना तो 5:30 बजे ही पड़ रहा है, समझ रहे हो? बट हां एक बात याद रखे, लाइफ की जर्नी में ना आपके और मेरे हर एक के कुछ गोल्स है, और ये गोल्स हमें अचीव करने होंगे, राइट? वी ऑल आर इन द सेम गेम बट एट डिफरेंट लेवल्स, ये बात समझ के चलो। मैं आपसे शायद 5-7 साल आगे हूं, आप मेरे से 5-7 साल पीछे होंगे, लेकिन एक बात का एश्योरेंस मैं जो आज आपको दे सकता हूं ना, ये कोर्स मिनिमम में इतना मैक्सिमम देगा कि तुम परेशान हो जाओगे। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि तुम परेशान हो जाओगे कि साला पैसा तो है, मैं इसको खर्चू किधर? ईमानदारी से मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूं, आप खुद परेशान हो जाओगे, अबे खर्चू किधर? पहली बात, खर्चने के लिए चाहिए टाइम जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहेगा, जो तुम्हारा दिन भर, अभी मेरे को एक बात बताओ, तुमने इधर इधर बैठ के कुछ भी कैलकुलेट कर लिया, बैठा तो मैं सुबह 7 से 10 प्रेस्टीज पे ही हूं ना, खा तो मैं सादा दाल चावल ही रहा हूं जीवन में, तुम परेशान हो जाओगे कि मैं करूं क्या इस पैसे, और 5 लाख रुपए जोड़ दो ईटीसी एवरी ईयर, ठीक है? कितने पे पहुंचे एवरेज पैकेज अटेम्प्ट लगाने के बाद भी? आज है 9 लाख रुपए का। तुम्हारे जितने सपने तुम आज देख रहे हो 2 साल में कंप्लीट है, अब बोलो क्या?
कार और घर, ये दो चीजें और आ गई, कार और घर जोड़ दो इसके अंदर में, उसका तुम पे करोगे ईएमआई 15 साल के लिए, मैक्सिमम ईएमआई 1 लाख रुपए जोड़ डालो, बहुत हो गया 3 लाख रुपए जोड़ डालो, स्टिल एवरी ईयर यू आर अर्निंग 9 to 10 लाख रुपीज। 5 साल बहुत हो गए सब खत्म करने के लिए, जिसमें मैं समझ रहा हूँ 9 लाख ही तुम कमाओगे एवरी ईयर, पर ऐसा होगा नहीं, तीसरे ईयर से तुम्हारा इनकम पर मंथ 1 लाख के ऊपर चालू हो जाएगा, ये मेरा गारंटी। 1 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर तुम अर्न करना चालू कर दोगे, 12 लाख 15 लाख रुपए, रैंक वगैरह में आ गए तो ये पैकेज सीधा 17 18 लाख रुपए पहले साल से। 5 साल के बाद ना तुम परेशान हो जाओगे, अब मैं इसका करूं क्या, तुम्हारे जितने बेसिक सपने हैं ये तो सब पूरे हो गए, फिर तुम सोचोगे आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, लड़के 1 लाख बहुत हो गए। जिसको नहीं समझा पोगो, आस्था भैया 1 लाख बहुत हो गए, जाना आना 2 बार, जाके तुम कहाँ जाओगे, नेपाली ना, तुम नेपाली समझ रहे थे ना, या उससे थोड़ा आगे, बराबर यही जाओगे तुम, बराबर ना, लड़कियां हो सकता है यूरोप चले जाए 1 बार का घूमने के लिए, 5 लाख और पकड़ लो। पर तुम समझो ना, पहले 5 7 साल बहुत हो गया, 10 साल तुम्हारा सारा खत्म हो जाता, तुमने जितना सोच रखा है सब खत्म हो जाता, इसके आगे ना तुमको समझ ही नहीं आता तुम पैसे का करोगे क्या, इसके बाद सब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। 32 इंच का टीवी को 55 ला लोगे, 2 BHK को 3 BHK कर लोगे, समझ आ रही है बात, तुम सिर्फ इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करोगे, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी के बाद 2 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी के बाद फार्म हाउस, फार्म हाउस के बाद तुम बोलोगे साला और क्या लेने का है, शेयर्स ले लोगे, यूलिप्स ले लोगे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे, अब करोगे क्या, दिन भर तो सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक ऑफिस में रहोगे, उड़ाओगे किधर। बट हाँ एक बात समझो, ये कोर्स तुमको देगा, बट हाँ एक और बात है जो इस चीज के साथ आती है, और वो ये कि आगे के 30 साल अगर तुमको मजे से चलने हैं ना, तो ये 3 साल की ना ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है,